बैंकॉक घूमने के लिए। मेरे पीछे आप लोग बैकग्राउंड में माँ दुर्गा का जो भव्य पड़ा हूँ, ये जो इतना बड़ा बांस का स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने मिल रहा है, ते कम 5-10 हजार के ऊपर तो बासी होंगे, मैं बहुत कम बोला हूँ। ये कम 3 महीना पहले से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो ओपनिंग के बाद का नाइट व्यू, मंदिर में क्या क्या लेजर लाइटिंग का इफेक्ट रहने, बगल चार चूड़ा आप लोगों को देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो कल्याणी ITI लुमिनस क्लब और कोलकाता में बसा श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब, ये दोनों के बीच में बहुत खूंखार टक्कर होता है। प्रसाद, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सर्चिंग फॉर पास्ट पर। ठीक, क्या आप लोग तैयार है बैंकॉक घूमने के लिए? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खड़ा हूं वेस्ट बंगाल का नदिया डिस्ट्रिक्ट का कल्याणी सिटी में, और बैंकॉक घूमने का बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पीछे आप लोग बैकग्राउंड में माँ दुर्गा का जो भव्य पंडाल बन रहा है, ये पंडाल कहाँ का बन रहा है, क्या थीम बन रहा है, वो जब बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि मैं बैंकॉक घूमने का बात क्यों किया। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये जो इतना बड़ा बांस का स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने मिल रहा है, इस बांस के स्ट्रक्चर में आखिर क्या बनने जा रहा है। 2024 साल का माँ दुर्गा का जो आगमन वेस्ट बंगाल में हो चुका है, कोलकाता सिटी में हो चुका है, तो ठीक जहां पर बड़ा बड़ा क्लब क्या क्या दुर्गा पूजा का थीम बनाती है, उसका आगाज भी हो चुका है, मैं आप लोगों को बैक टू बैक दिखा रहा हूं। तो आज मैं आ पहुंचा हूं वेस्ट बंगाल का नदिया डिस्ट्रिक्ट का कल्याणी सिटी में ITI मोड़ के पास लुमिनस क्लब, जो माँ दुर्गा का पूजा कराती है हर साल। इस बार ITI मोड़ के पास लुमिनस क्लब क्या थीम बना रही है, तो आप लोगों को पहले सीधा सीधा जो यहाँ पर बैनर लगाया गया है उस पंडाल का, उस थीम का, वो पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए सीधा सीधा बैनर आप लोग देख पा रहे हैं। बैंकॉक घूमने का बात मैं क्यों किया, क्योंकि जो थीम बन रहा है उस थीम का नाम है अरुण मंदिर। बता दूं आप लोगों को, अरुण मंदिर बैंकॉक में स्थित है। तो ठीक बैंकॉक में हूबहू जो अरुण मंदिर स्थित है, उसी अरुण मंदिर को वेस्ट बंगाल नदिया डिस्ट्रिक्ट कल्याणी ITI मोड़ के पास लुमिनस क्लब बना रही है दुर्गा पूजा 2024 के उपलक्ष पर। अब मैं आप लोगों को कुछ खासियत बताना चाहता हूं। बता दूं आप लोगों को, अरुण मंदिर का जो निर्माण यहां पर किया जा रहा है, आप लोग देख पा ही रहे होंगे, पूरा जोरों शोरों से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। और इस निर्माण कार्य में मुझे एक बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला बात यही लगा कि दुर्गा पूजा अक्टूबर मंथ में है दोस्तों, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर 2 महीने अभी बाकी है। बता दूं कम से कम 3 महीना पहले से यहाँ पर यह स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। लगभग आप लोगों को क्या बोलूं, यहाँ पर जितना बांस लगाया गया है कम से कम 5-10 हजार के ऊपर तो बासी होंगे, मैं बहुत कम बोला हूँ। ये थोड़ा सा पहले बैंकॉक अरुण मंदिर जो यहाँ बनाया जा रहा है किस तरह से, अभी कितना दूर काम कंप्लीट हुआ है आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ, उसके बाद फिर बातचीत करूंगा। लगभग और 80 दिन बाद माँ दुर्गा हम सबके अंगना में पधारेंगी, जिसका ही तैयारी जोरों शोरों से हो रहा है, जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये पूरा पूरी बांस का स्ट्रक्चर जो कि बैंकॉक थाईलैंड में बसा अरुण मंदिर, उसका पूरा हूबहू यहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है। बता दूँ आप लोगों को, इन सारे कारीगरों को एक ग्रेट सल्यूट है, जो लोग दिन रात मेहनत करके करीबन 3 महीना से इस पंडाल को खड़ा किए हैं। इसके अंदर जो हाथ का कलाकारी किया गया है, क्या ही बोलूँ आप लोगों को, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिलता है फेस्टिवल के उपलक्ष पर। तो ठीक और चंद 80 दिन बाद आप लोगों को भव्य यह पंडाल पूरा बना हुआ दिखेगा, और रात का जो नज़ारा होगा लेज़र लाइटिंग के साथ, वो नज़ारा कुछ अलग ही होगा। आप लोगों को बता दूं, ये जो कलाकारी आप लोग बांस का देख रहे हैं, इसमें कई 1000 बांस मतलब यहाँ पर लगाए गए हैं इस स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। बता दूँ आप लोगों को, लगभग बताया जा रहा है इस पंडाल की जो ऊंचाई है 170 फीट रहने वाली है। इस पंडाल में जब माँ दुर्गा का आगमन होगा, जब वो यहाँ पर विराजमान होंगी, तब यहाँ का जो दृश्य है दर्शनार्थी लोगों के लिए दिल लुभाने वाला दृश्य रहेगा साथियों। तो ठीक किस तरह से स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है, आप लोगों के सामने यह फुटेज सीधा सीधा रख दिया हूँ। तो अब आगे इस वीडियो में अभी इस मंदिर को लेकर हम लोग कुछ और विशेषताएं बातचीत करेंगे, फिर और भी बहुत चीज जानकारी सुनने को मिलेगा। तो पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जब बात उत्सव का आता है, जब बात हिंदू धर्म का आता है, जब बात पूजा पाठ का आता है, तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल स्टेट ही जहन में आता है, और सारे
हिंदूवासियों का दिमाग में आता है। वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर हिंदू धर्म के हर एक देवी देवताओं का पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर हर एक जाति धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर अपने अपने धर्मों का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पालन करते हैं। तो ठीक जब बात माँ दुर्गा का आराधना का आता है तब सबसे पहले वेस्ट बंगाल स्टेट याद आता है और कोलकाता सिटी याद आता है। बता दूं आप लोगों को, बंगाली लोगों का सबसे खास माना जाने वाला ये पर्व है और माँ दुर्गा का आराधना है। जब माँ दुर्गा का आराधना का बात हम सारे लोगों के जहन में आता है तो सबसे पहले कोलकाता सिटी याद आता है। लेकिन बीते कुछ वर्षों से जब दुर्गा पूजा का बात आता है तो कल्याणी आईटीआई लुमिनस क्लब और कोलकाता में बसा श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब, ये दोनों के बीच में बहुत खूंखार टक्कर होता है क्योंकि ये दोनों अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। मुझे इस साल 2024 साल का दुर्गा पूजा क्यों खास लग रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोगों को बता दूं पिछले 4-5 वर्षों से कल्याणी आईटीआई लुमिनस क्लब और उधर श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब, ये लोग इंडिया के बाहर स्टेट का एक से एक थीम दिखाती आई है। लेकिन इस बार हमारे इंडिया के अंदर की जो विरासत है, जो मंदिर है, जो संस्कृति है, उसको इस बार दर्शा रही है। तो ये सबसे खास बात है। पिछले साल जब आउट ऑफ इंडिया का थीम बना था तो बहुत सारे ऐसे दर्शनार्थी है, वो लोग बोल रहे थे कि भैया क्या ये लोग बार बार कोई होटल बना रहे हैं, कोई टावर बना रहे हैं, हमारी इंडिया में क्या कोई विरासत है ही नहीं, हमारी इंडिया में क्या कोई अच्छा थीम है ही नहीं। तो लो भाई, आप लोगों का आंसर मिल चुका है। इस बार श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब भी मंदिर बना रही है तिरुपति बालाजी का, और यहाँ पर बैंकॉक का अरुण मंदिर बन रहा है। अब देखा जाएगा कि जब ओपनिंग होगा तो ओपनिंग के बाद का नाइट व्यू मंदिर में क्या क्या लेजर लाइटिंग का इफेक्ट रहने वाला है। और ठीक बैनर में जो आप लोग जैसा मंदिर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेम हूबहू वैसा ही यहाँ पर बनाया जा रहा है। लेकिन ओरिजिनल बैंकॉक अरुण मंदिर का टोटल जो मेन सिर से मेन चूड़ा है उसके चारों बगल चार चूड़ा आप लोगों को देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जगह शॉर्टेज है जिस वजह से सिर्फ फ्रंट का दो चूड़ा आप लोगों को देखने मिलेगा और बैक का दो चूड़ा है वो आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा। तो चलिए किस तरह से निर्माण कार्यकाल चल रहा है वो आप लोगों को मैं आकर दिखा दिया हूं। लगभग अगर मैं बात करूं तो 50% बांस का स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनल जो सिल्वर का प्लेट का परत चढ़ाने का जो काम होगा वो जिस दिन से शुरू होगा आप लोगों तक सारा फुटेज पहुंचा दूंगा। तो चलिए फिलहाल के लिए कल्याणी आईटीआई लुमिनस क्लब के सारे मेंबरों को एक ग्रेट सल्यूट है जो इस बार मंदिर का जो भव्य दर्शन हम लोगों को करने मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग बैंकॉक नहीं जा पाएंगे भैया अरुण मंदिर घूमने के लिए, लेकिन वेस्ट बंगाल में भाई सीधा सीधा आप लोगों को अरुण मंदिर का दर्शन करने मिलेगा। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। ठीक इसी तरह से हर एक फेस्टिवल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, फॉलो करके रखिएगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जय माँ दुर्गा का नारा लगाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पूजा मंडप थीम के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।